नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दो अलग अलग राज्यों में टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। पीजीटी टीजीटी पीआरटी के लगभग सभी सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसियां हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग की भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो तीनों तरह की यह वैकेंसियां परमानेंट पोस्ट भी हैं, रेगुलर बेसिस की, उसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की और अडहोक बेसिस की रिक्रूटमेंट भी आई हुई है। सभी के लिए सैलरी अलग अलग आपको दी जाएगी। तो सारी जानकारी इन दोनों डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इन दो नोटिफिकेशन से जुड़े हुए दो अलग अलग वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकता था, पर मैंने कोशिश की है एक सिंगल वीडियो में ही आपको अपडेट मिल जाए। बाकी ऑल ओवर इंडिया लेवल से किसी भी राज्य का कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर स्टेट में वैकेंसी है तो वहीं का आवेदन कर पाएगा। कोई भी किसी भी राज्य का कैंडिडेट अगर एलिजिबल है तो इनके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ठीक है, एक एक करके दोनों नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यह है पहला नोटिफिकेशन। पहला नोटिफिकेशन आ रहा है आर्मी पब्लिक स्कूल सिंधवाली कैंट श्री गंगानगर की तरफ से। तो श्री गंगानगर कहां है? राजस्थान में। तो ये रिक्रूटमेंट हो गई है राजस्थान के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में वैकेंसी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सभी की एक एक वैकेंसी है और फिजिकल एजुकेशन की। इसी तरह से टीजीटी में वैकेंसी है, इंग्लिश की दो है, सोशल साइंस और मैथ्स की एक एक है। प्राइमरी टीचर की 17 वैकेंसियां हैं। पीआरटी कंप्यूटर की एक वैकेंसी है। पीआरटी आर्ट क्राफ्ट टीचर की एक वैकेंसी है। टीचर फॉर फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पीआरटी की एक वैकेंसी है। हेल्थ वेलनेस टीचर काउंसलर की एक, स्पेशल एडुकेटर की एक, अकाउंट्स क्लर्क की एक, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की एक और साइंस लैब अटेंडेंट की एक वैकेंसी। तो ये तो हो गया पदों का विवरण। अब इनके लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पीसीटी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ बीएड भी आपके पास होनी चाहिए, यह भी 50% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ सीएस भी क्लियर भी आपका होना चाहिए। सैलरी अगर कॉन्ट्रैक्टल बेसिस के लिए आपका सिलेक्शन होता है तो 34,371 रुपए मिलेगी, और अगर अडहोक बेसिस के लिए है तो सैलरी आपको फिक्स 29,187 पर मंथ मिलेगी। इसी तरह टीजीटी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो और बीएड कर रखी हो, ये दोनों 50% अंकों के साथ, इनके साथ साथ सीटेट, एसटेट और सीएसबी भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। तो सीटेट एसटेट में से एक चल जाएगा, अगर सीटेट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और राज्य सरकार के द्वारा जो टेट कंडक्ट कराया जाता है वो है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी टीजीटी के लिए 33,409 रुपए फिक्स मिलेगी अगर कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की है, और अगर अडोग बेसिस की है तो सैलरी आपको मिलेगी 28,773 रुपए पर मंथ। प्राइमरी टीचर की जो 17 वैकेंसियां हैं इनके लिए ग्रेजुएशन कर रखी हो और उसी के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, मतलब डीएड या बीएड इनमें से कोई एक कर रखी हो कम से कम 50% अंकों के साथ, उसी के साथ साथ सीटेट या एसटेट एंड सीएसबी क्लियर आपका होना आवश्यक है। आप ये पूछेंगे सीएसबी क्या है? सीएसबी एक सीटेट की तरह का ही एक एग्जाम है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो हर साल आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जिनका वो क्लियर हो जाता है फिर वही अलग अलग आर्मी पब्लिक स्कूल्स में जो रिक्रूटमेंट आते हैं पूरे साल भर में उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और पीआरटी की सैलरी कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की है 32,447 और अडहोक बेसिस की 27,945। इसी तरह से पीआरटी कंप्यूटर के लिए भी यही सैलरी है और आर्ट क्राफ्ट के लिए भी यही सैलरी है, और फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर पीआरटी के लिए ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन बीपीएड या डीपीएड आपने कर रखा हो कम से कम 50% अंकों के साथ हो आप आवेदन कर सकते हैं। हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए ग्रेजुएट विद साइकोलॉजी विद अ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विद मिनिमम 50% मार्क्स, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर एज ए वेलनेस टीचर या काउंसलर ये आपके पास होना चाहिए। सैलरी टीजीटी के बराबर आपको इसमें मिल जाएगी। देखिए नहीं, हाँ टीजीटी के बराबर 33,409 है तो, और यहाँ भी 33,000 टीजीटी के बराबर आपको इसमें मिल जाएगी। स्पेशल एडुकेटर को भी यही सैलरी मिलेगी और बीएड स्पेशल एजुकेशन में आपने कर रखी हो। अकाउंट क्लर्क के लिए बीकॉम और 15 साल का सर्विस का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज अ क्लर्क फॉर एक्स सर्विसमैन, और कंप्यूटर लिटरेट अगर आप हैं तो और अच्छा है तो ही आप आवेदन कर सकेंगे, और टाइपिंग स्पीड 12,000 की डिप्रेशन पर आर आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के लिए मिनिमम 10+2 आपने कर रखी हो। अकाउंट्स क्लर्क को 20,000 रुपये फिक्स सैलरी मिलेगी पर मंथ। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन
के लिए मिनिमम 10+2 आपने कर रखी है और 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में नॉलेज ऑफ हार्डवेयर पेरिफेरल एंड नेटवर्किंग। 18,001 रुपये सैलरी आपको मिल जाएगी। साइंस लैब अटेंडेंट की एक वैकेंसी 10+2 साइंस में आपने कर रखी है और कंप्यूटर ज्ञान आपके पास होना चाहिए। 18,001 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। एज लिमिट फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए 40 साल है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए 57 साल है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट उन्हें माना जाएगा जिन्हें पिछले 10 साल में कम से कम 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होगा। इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, डायनेमिक कैंडिडेट एंड कमिटेड टू प्रोफेशन हैविंग प्रोफेशनसी इन सब्जेक्ट नॉलेज शुड अप्लाई ऑन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसी के साथ साथ DD ऑफ ₹100 इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीगंगानगर मस्ट बी सबमिटेड विद एप्लीकेशन टू आर्मी पब्लिक स्कूल सिंधवली कैंट श्रीगंगानगर ऑन और बिफोर 7 फरवरी 2022। मतलब इनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2022 है। एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट भी वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। उससे पहले जो दूसरी रिक्रूटमेंट आ रही है उसको भी देख लेते हैं बिल्कुल विस्तार से। ये देखिए दोस्तों, दूसरी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2022 के टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है। आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज में ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो यहाँ पदों का विवरण देखिए कुछ इस प्रकार से है। TGT में मैथमेटिक्स, TGT इंग्लिश, TGT साइंस और TGT सोशल साइंस की वैकेंसियां। ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट रेलिवेंट सब्जेक्ट में आपने कर रखी है और BEd कर रखी है, ये दोनों 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। उसी के साथ साथ AWES CSB स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। CTET या TET भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। PRT की जहां तक बात है, ग्रेजुएशन कर रखी हो, 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा DEd आपने कर रखी हो या फिर BEd आपने कर रखी हो, ये 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ CSB स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, CTET या TET में से एक क्लियर होना आवश्यक है और प्राइमरी लेवल वाला आपका क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। लाइब्रेरियन की यहाँ रिक्रूटमेंट है। BLib साइंस आपने कर रखी हो या ग्रेजुएट आपने कर रखी हो ग्रेजुएशन, उसी के साथ साथ डिप्लोमा कर रखा लाइब्रेरी साइंस में, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। म्यूजिक टीचर के ग्रेजुएट इन विद म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद संगीत विशारद, संगीत प्रभाकर, संगीत रतन, संगीत भास्कर में से कोई एक कर रखा हो। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन में BPed या DPed आपने कर रखा हो। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, ड्राइंग एंड पेंटिंग आर्ट, फाइन आर्ट या और मिनिमम 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के 10+ के लिए आपने 10+2 कर रखी है और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। LDC के लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, 10 साल का सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ क्लर्क फॉर एक्स सर्विस मैन। कंप्यूटर लिटरेट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस स्पीड, 12,000 की डिप्रेशन पर आवर, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। एज लिमिट 1 अप्रैल 2022 को फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए 40 साल है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए 57 साल है। अप्लाई कैसे करना है, आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है AWESIndia.com से या फिर APSOldKentAld.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आर्मी पब्लिक स्कूल इलाहाबाद कैंट की, तो वहां से भी आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और जो डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर के और उसी के साथ साथ जितने भी रिक्वायर्ड एसेंशियल डॉक्यूमेंट है वो लगाने होंगे। 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी आपको लगाना होगा जो कि होना चाहिए इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट इलाहाबाद, तो वो आपको सेंड कर देना है कब तक, 5 फरवरी 2022 तक। और कहाँ पे भेजना है, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट, टेलीरागंज, प्रयागराज, ये पिन कोड है, यहाँ पे भेजना है। फिर से देख लीजिए, 5 फरवरी 2022 है आवेदन करने की अंतिम तिथि। सभी को नहीं बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा और ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये दोस्तों 2 रिक्रूटमेंट आई हुई थी, एक आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीगंगानगर की तरफ से और दूसरी आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट इलाहाबाद मतलब प्रयागराज की तरफ से। दोनों की जानकारी आपको बिल्कुल विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें। बाकी ये आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीगंगानगर की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये एडवर्टाइजमेंट है और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।